मामला महोबा जिले के पनवाड़ी थाना इलाके के मसूसपुरा का है, जहां जहां बालू के भरे ट्रकों की वजह से सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, जिसके छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा छात्र छात्राएं सड़क के गड्ढे में गिर रहे हैं तो कभी उनकी साइकिल फिसल कर गिर जाती है, जिससे उनकी कॉपी किताबें खराब हो रही हैं, जिससे छात्र छात्राओं ने मसूदपुर के पास जाम लगा दिया। जाम के जाम में दर्जनों वाहन फंस गए और छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क को बनवाने और बालू से भरे ट्रकों पर रोक लगाने की मांग की है। तो वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है तथा छात्र छात्राओं को समझाने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन छात्र छात्राएं अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और छात्र छात्रा नारा बुलंद करते हुए कह रहे हैं कि हमारी सिर्फ एक ही मांग, सीएम साहब को मौके पर बुलाया जाए। ये पूरा मामला महोबा जिले के पनवाड़ी थाना अंतर्गत मसूदपुर का है। कहाँ पे? कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? अच्छा जी, साइकिल गिर गई है। क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हमारा नाम है शिवम, हम सेवड़ी के रहने वाले हैं, कक्षा 12 में पढ़ते हैं, मसूदपुरा नेहरू अकाडमी इंटर कॉलेज मसूदपुरा। आपकी क्या कौन कौन मांगे हैं? हमारी ये मांगे हैं कि हमारा रोड डलवाया जाए और हम इस ट्रक भी ना चलवाया जाए, और यहाँ से बच्चे जाते हैं तो पार्टे गिरते हैं, साइकिलें टूटती हैं, नहर में गिरते हैं, क्या करें हम लोग? अगर स्कूल जाते हैं लेट तो लटिया गलती है, हम लोग करें क्या? पूरी हमारी एक विद्यालय प्रेजेंट नहीं जाती है, प्रिंसिपल सर जी बोलते हैं, हमको पीटते भी हैं वहाँ पर। क्या समस्या है, मतलब क्यों बालू के बंद करवाया जाए, हमारा रोड बच्चे टाइम टेबल स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, हमारा सर पहला पीरियड है, हमारे ट्रक हमें साइड नहीं दे रहे हैं, हम पार्टी एक घंटा लेट पहुंचते हैं।